मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। कथावाचक जया किशोरी ने हाल ही में एक दावा किया था कि मोर और मोरनी कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाते हैं। मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। जया किशोरी का ये वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ था। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई ऐसा ही होता है, क्या साइंटिफिकली ये पॉसिबल है, उन्होंने जो कहा है वो दावा कितना सही है, उनका दावा विज्ञान की कसौटी पर कितना खरा उतरता है। आइए जानते हैं कि जया किशोरी के दावे में कितना दम है। आपको बता दें कि जया किशोरी का मोर को लेकर किया गया ये दावा विज्ञान से बिल्कुल अलग है। वैज्ञानिक नजरिए से मोर और मोरनी भी शारीरिक संबंध बनाते हैं। इसके बाद मोरनी गर्भधारण करती है, ये बात एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर की तस्वीरों से भी साबित हो चुकी है। दरअसल एक सभा में जया किशोरी ने कथा सुनाते हुए मोर और मोरनी को लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि मोर और मोरनी संतान पैदा करने के लिए शारीरिक संभोग नहीं करते हैं। फिर वो पूछते हैं कि आखिर मोर के संतान कैसे पैदा होती है। इसका जवाब देते हुए जया किशोरी ने दावा किया कि मोरनी मोर के आंसू पीकर गर्भवती होती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इसलिए भगवान श्री कृष्ण मोर पंख लगाते हैं। बता दें कि जया किशोरी के वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते रहते हैं। वो आए दिन सोशल मीडिया पर चर्चा के केंद्र में रहती हैं। कथावाचक जया किशोरी खुलकर बात करने के लिए भी जानी जाती हैं। जया किशोरी ने अपनी एजुकेशन और शादी की योजना को लेकर भी कई बार खुलकर बात की है।